ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ यूट्यूब, आपको क्या कहा जाएगा? आपके पास एक लिक्विड है, इस ट्यूब में आपके पास एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, लिक्विड दोनों तरफ कितनी हाइट पर है? एच हाइट पर है। तो लिक्विड की हाइट दोनों तरफ क्या है? एच है, और ये रेस्ट पे। आपने क्या किया, इसको ना प्रेस कर दिया, दबा दिया आपने हाथ से, कितना? वाई। तो अगर ये वाई नीचे गया तो इधर से वाई ऊपर भी तो आएगा, तो इधर से वाई ऊपर आ गया, तो ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी लाइन। तो यहां से इस लाइन से लिक्विड यहां वाई नीचे गया, तो यहां से वाई ऊपर आया, और आपने अब छोड़ दिया। अब लिक्विड क्या मूव करेगा? कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। प्रूफ करो ये एसएचएम में, उसका टाइम पीरियड भी निकालो, ये क्वेश्चन है। तो यूट्यूब में लिक्विड कॉलम एसएचएम में प्रूव करना है, क्या ढूंढना है? सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स। बताओ जब मैंने इसको दबा के रखा और छोड़ा तो ये लिक्विड वापस आएगा, लिक्विड वापस आएगा, कौन सी फोर्स इसको वापस लेके आ रही है, उसे रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, पहले कॉन्सेप्ट बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? वैल्यू नहीं, फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फायदा नहीं, यहां भी यहां भी इक्वलाइज कर गया, और कौन वापस लेके आ रहा है? वेट ऑफ लिक्विड, कौन सा वेट ऑफ लिक्विड? डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस हुआ? वाई। तो अगर ये वाई डिस्प्लेस हुआ, इसका वेट इसे वापस लेके आ रहा है, ठीक, वाई नहीं, टू वाई, क्योंकि जब आप एक लाइन यहां खींच रहे हैं तो ये टू वाई हाइट ऑफ लिक्विड हटा दें, सोचे हटा दे, हटा दो, देखो लिक्विड मूव नहीं करेगा। लिक्विड इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि दोनों लेवल से ऊपर जो लिक्विड है वो कितनी हाइट का लिक्विड है? टू वाई। तो ये हाइट क्या है? टू वाई, कोई डाउट इसमें? तो लिक्विड जो ऊपर जा रहा है वो टू वाई ऊपर जा रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पता है क्या है? वेट ऑफ लिक्विड इन हाइट, टू वाई। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस साइन रिस्टोरिंग के लिए, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट, टू वाई। अब वेट होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट, टू वाई। वेट का मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट, टू वाई इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है मान लो इसका एरिया ए है और ये हाइट क्या है? टू वाई है। तो वॉल्यूम क्या बना? एरिया इंटू टू वाई। तो वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर? एरिया इंटू टू वाई इंटू डेंसिटी इंटू जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना मास ऑफ लिक्विड मूव करेगा इस ट्यूब में, कितना मास मूव करेगा? वाई करेगा, मतलब उतना करेगा, बाकी आराम कर रहा है, सारा करेगा। देखो मेरा हाथ पूरा लिक्विड है, हर लिक्विड का पार्टिकल मूव कर रहा है, रेस्ट पे कौन है? कोई भी नहीं। तो पूरा मास ऑफ लिक्विड मूव करेगा, कोई रेस्ट पे दिखेगा नहीं। अब मास ऑफ लिक्विड निकालने के दो तरीके हैं, इसका मास प्लस इसका मास निकालने, या फिर इसका और इसका मास निकालने, एक ही बात है, लिक्विड गायब थोड़ी ना हो गया, मास तो दोनों के अंदर सेम ही है। तो यहां पर क्या है? इसका एरिया क्या है? ए, और हाइट क्या है इसकी? एच। तो मास क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां से क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। तो मास ऑफ लिक्विड में चेक करें क्या किया, एरिया इंटू एच इंटू डेंसिटी को टू से मल्टीप्लाई किया, तो डेंसिटी से डेंसिटी, एरिया से एरिया, सब कैंसिल, तो ये टर्म आ गई, प्रूव हो गया। आपने वाई धक्का मारा था लिक्विड को, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ वाई। एसएचएम की इक्वेशन लिखें, एसएचएम की इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करके ओमेगा निकाल लें, ओमेगा क्या होता है? टू पाई बाई टी, टाइम पीरियड निकाल लें, आंसर आ गया। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला नोट करें कि अगर ट्यूब में इनिशियली लिक्विड की हाइट एच थी, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला टू पाई रूट एच बाई जी नोट करें।